करीब दो दशक से भारतीय पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार रहने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट केस में इन दिनों तिहाड़ जेल में 7 साल की सजा काट रहा है। कभी दाऊद इब्राहिम की पनाहों में रहने वाला छोटा राजन आज उसका जानी दुश्मन बन चुका है। मुंबई हमलों के बाद छोटा राजन के अलग होने से नाराज दाऊद लगातार उसे मारने की फिराक में रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। यही वजह है कि छोटा राजन आसानी से गिरफ्तार हो गया। 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया था। यह ऑपरेशन सीबीआई, इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई क्राइम ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पुलिस के साथ इंटरपोल के सफल कोऑर्डिनेशन के जरिए सफल हो सका था। इसके बाद उसे भारत लाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद दाऊद उसे जेल में ही मारने की साजिश रचने लगा। हाल ही में दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना के जरिए वह उसे जेल में मारने की योजना बना रहा था। इसके पहले की योजना अमली जामा पहने उसका प्लान लीक हो गया। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं और छोटा राजन की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। नीरज बवाना को भी छोटा राजन से अलग तन्हाई बैरक में डाल दिया गया। दरअसल डी कंपनी के गुर्गे और नीरज बवाना के एक साथी के बीच हुई बातचीत को सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट कर लिया। इससे पता चला कि डी कंपनी छोटा राजन को मरवाना चाहती है। नीरज बवाना के गुर्गों के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया जाना है। इससे पहले इसी साल जून में दाऊद के खास छोटा शकील के गुर्गे जुनैद चौधरी को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ किया कि उसे इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह और छोटा राजन की सुपारी दी गई थी। उसने बताया था कि साजिश के तहत तारिक फतेह की हत्या करने के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता, जहां वह छोटा राजन को भी मार डालता। लेकिन उसके खौफनाक मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। भारत आने से पहले विदेश में भी दाऊद और छोटा राजन गैंग के बीच कई बार टकराव भी हुए थे। जानलेवा हमलों की खबरें भी आईं, लेकिन वह पुलिस और दाऊद की नजरों से बचता रहा। हमेशा वीओआईपी के जरिए कॉल करने वाले छोटा राजन ने 24 अक्टूबर 2015 को व्हाट्सएप के जरिए अपने एक शुभचिंतक को फोन किया, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने टेप कर लिया था। फोन पर छोटा राजन ने कहा था कि वह ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं है, बहुत जल्द से यहां से निकल जाएगा। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। उसे प्यार से नाना या सेठ कहकर भी बुलाते हैं। उसका जन्म 1960 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में उसने फिल्म टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच वह राजन नायर गैंग में शामिल हो गया। जुर्म की दुनिया में नायर को बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था। यह नायर का दाहिना था, इसलिए लोग इसे छोटा राजन कहने लगे। भारत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद बड़े गैंगस्टरों में दूसरे नंबर पर छोटा राजन का ही नाम आता है। वह लंबे समय तक डी कंपनी के साथ काम करता रहा, लेकिन बाबरी कांड के बाद 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट ने राजन को दहला दिया। जब उसे पता चला कि इस कांड में दाऊद का हाथ है, तो वह उसका दुश्मन बन बैठा। उसने खुद को दाऊद से अलग करके नया गैंग बना लिया। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे।